GCPL टूर्नामेंट सीजन 2 का भव्य आगाज, 3 दिवसीय खेल आयोजन। जयपुर कैटरिंग डीलर समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय GCPL टूर्नामेंट सीजन 2 का जयपुरिया ग्राउंड में शानदार शुभारंभ हुआ। ये टूर्नामेंट 10, 11 और 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें समिति के 8 टीमों के खिलाड़ी भाग लेंगे। कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष मनोज सेवानी ने टूर्नामेंट के महत्व पर जोर देते हुए कहा, इस तरह के आयोजनों से समिति के सदस्यों को न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि उनकी थकान भी दूर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजन हर साल किए जाएंगे ताकि समिति से जुड़े सभी सदस्य तरोताजा महसूस कर सकें। मनोज सेवानी ने आयोजन की सफलता के लिए समिति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सभी सहयोगी भामाशाहों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ये टूर्नामेंट हमारा दूसरा सीजन है और इसका आयोजन सदस्यों की उत्साहवर्धक भागीदारी के लिए किया गया है। समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी इस टूर्नामेंट को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा है। पहली दूसरी बार जो है जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन जो है क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहा है, पहले तो उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए। जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन की तरफ से यह दूसरी बार जो मैच हो रहा है, इसके लिए सभी साथियों ने बहुत दिल से सहयोग किया है और 9 तारीख आज टी शर्ट लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा गया है। कल 10, 11, 12 कल सुबह 7 से 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। 3 दिन का जयपुर एकेडमी क्रिकेट प्रीमियर लीग का प्रोग्राम रखा गया है संस्था की तरफ से। कितनी टीमें भाग ले रही है इसमें? कुल 8 टीमें भाग ले रही है और 8 टीमों के ही जितने वेंडर हैं आपस में मिलके और संस्था के ही सारे मेंबर मिलके भाग ले रहे हैं। वह अपनी तरफ से सारा खेल का प्रोग्राम करा रहे हैं। कोई सोशल कॉज इस टूर्नामेंट के साथ आपने जोड़ा है? नहीं, इसमें जो हमारे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं वो आपस में ही खेल खिलाड़ियों में जुड़े हुए हैं। कई चीजों में वह खेल के भाग में आगे भी काम करते रहते हैं, वो उनसे ही सारा खेल हो रहा है सारा ये। क्योंकि आपके एसोसिएशन के अंदर में जो कैटरिंग एसोसिएशन है उसमें एक तरह से देखा जाए तो जो आपके कर्मचारी है, आपके जितने बिजनेस पार्टनर है, उनको कैसे आगे भविष्य के लिए मनोबल बढ़ाएंगे क्रिकेट मैच के लिए? क्योंकि टीम तो आप लोगों ने बाहर से परचेज करके और जो अपने मेंबर उनसे लिए गई है। हमने साहब बाहर से परचेज नहीं करी है, हमने अपने ही साथियों का सहयोग लेके जो हमारे संस्था के मेंबर हैं, जो हमारे से जुड़े हुए वेंडर हैं, उन्होंने सहयोग राशि देकर ही, वो जो सहयोग राशि आ रही है वही संस्था के प्रोग्राम में खर्च की जा रही है और इसी से ही प्रोग्राम का सारा आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद जितने भी हमारे से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं जितने हैं उनके लिए हमने एक बीमे का, उसके अलावा रात्रि कार्ड का और कई विशेष ऐसे से प्रोग्राम किए हुए हैं, ब्लड का कई व्यवस्थाएं हैं जो आगे उनको बहुत जरूरी जो काम है वो किए जाएंगे उनकी तरफ से। फाइनल 12 तारीख को है 2 बजे।